Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 3, designing simple website using Composer. Today we are going to learn about the create a homepage of website. See here, we are going to create this type of one homepage. It's about the stationery website. बुक में भी हमें यही एग्जाम्पल दिया है, तो वही एग्जाम्पल हम फॉलो करने वाले हैं कि एक होम पेज डिजाइन करने वाले हैं इस बार हम, जिसके अंदर एक लोगो होगा, एक साइड में इमेज जैसे देख रहे हो कंपनी का लोगो है, देन उस स्टेशनरी का वेबसाइट है उसका नाम लिखा है, देन कैटेगरीज बनाई है एक साइड में, फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, फिर प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दी है, उसकी प्राइस ये सब दी है, नीचे लास्ट में बाय नाउ का बटन है जिससे आप उसको परचेज कर सको। तो ऐसी एक वेब पेज, ऐसा एक होम पेज आज हम तैयार करने के लिए सीखने वाले हैं। बहुत लंबी प्रोसेस है, उसमें तो दो पार्ट में हम इसको देखेंगे। तो पहले पार्ट में थोड़ा देखते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर जो कंपोजर होगा, उस कंपोजर को आप ओपन कीजिए। डेस्कटॉप पे ऐसा शॉर्टकट हो सकता है, ऐसे शॉर्टकट को ऊपर क्लिक करके कंपोजर चालू कीजिए। कंपोजर चालू करने के बाद आपने अगर होम पेज अगर क्लियरली देखा होगा, तो हमने उसको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डिजाइन किया है। अब टेबुलर फॉर्मेट में डिजाइन करना है तो आपको टेबल ऐड करने पड़ेंगे। टेबल ऐड करने के लिए कंपोजर के अंदर ऊपर मेनू है, देखिए मेनू बार में एक मेनू है टेबल करके। टेबल मेनू के अंदर आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। इंसर्ट के अंदर टेबल जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ऐसे इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर जो क्विकली है उसमें से हमें डायरेक्टली सेल सिलेक्ट करने हैं। तो मैं पहली बार में मुझे तीन पार्ट में चाहिए, तो तीन वर्टिकली तीन और हॉरिजॉन्टली टू सिलेक्ट कर रहा हूं मैं ऐसे, तो 3x2 ऐसा हमें टेबल सिलेक्ट करना है। इस बार सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएगा, 3x2 में है। अब आप उसको उसकी प्रॉपर्टीज भी सेट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर कम साइज में आ रहा है तो प्रॉपर्टी सेट करके उसको सेट कर सकते हो। सबसे पहले हम हमारा जो पेज है, जो वेबसाइट का जो पहला पेज जो होता है उसको होम पेज बोला जाता है, तो उसको एक टाइटल देंगे हम। तो फॉर्मेट मेनू में जाइए, फॉर्मेट मेनू में आपको ऑप्शन मिलेगा, लास्ट में ऑप्शन है पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज, वहां पे जाके क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे टाइटल प्रॉपर्टीज जो होगा उसमें टाइटल जो है उसमें टाइटल में लिख दीजिए होम पेज, यानी हमारा जो पेज है उसका टाइटल आ जाएगा होम पेज, यानी ओके कीजिए। इस तरह से यहाँ पे होम पेज लिखना है आपको। उसके बाद हमें हमारी फाइल सेव करनी है। फाइल जो हमारी सेव होगी उसको कंपलसरी आपकी वेबसाइट, कोई भी आप वेबसाइट डिजाइन करोगे, उस वेबसाइट का जो पहला पेज जो होता है, जो होम पेज जो होता है, उसको इंडेक्स के नाम से सेव करना होता है। बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो ये याद रखेगा कि हमारा जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट का जो पहला पेज यानी कि फर्स्ट जो होम पेज होता है, उसको index.html के नाम से सेव करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम इस पेज के जो है उसकी फाइल का नाम इंडेक्स रखेंगे, देन सेव कीजिए, तो इंडेक्स के नाम से सेव हो जाएगा। अब ये जो टेबल बना है हमारा, टेबल की प्रॉपर्टीज आपको कुछ चेंज करने, टेबल प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, तो उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, टेबल के अंदर कर्सर ले जाइए, देन राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा टेबल सेल प्रॉपर्टीज का, तो उस टेबल सेल प्रॉपर्टीज के बॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे दो सेल दिए हैं, टेबल एंड सेल, जिसमें से हमें टेबल के अंदर जाना है और टेबल की जितनी भी नीचे प्रॉपर्टीज दी है, साइज है, बॉर्डर स्पेसिंग है, टेबल अलाइनमेंट, बैकग्राउंड कलर, ये सब प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी है उसके अंदर। सबसे पहले देखिए साइज के अंदर जो विड्थ लिखी है ना, विड्थ नॉर्मली अगर वो पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो आपको लिखना है ना कुछ से विड्थ में 100 रख के सामने जो उसमें परसेंटेज ऑफ विंडो यानी 100% ऑफ विंडो विड्थ कर देनी है। उसके बाद बॉर्डर एंड स्पेसिंग, ये देखिए तो बॉर्डर है तो बॉर्डर रखिए 1, तो 1 पिक्सल बॉर्डर रहेगी। आप बॉर्डर 0 कर दोगे तो वहां पर स्क्रीन के ऊपर बॉर्डर की जो लाइन जो दिख रही है वो लाइन नहीं दिखेगी। देन स्पेसिंग, पिक्सल्स बिटवीन सेल्स, दो सेल के बीच में क्या स्पेस होनी चाहिए वो यहां से डिसाइड होगी। एंड पैडिंग, पैडिंग मीन्स पिक्सल बिटवीन सेल बॉर्डर एंड कंटेंट, जो आपके सेल के अंदर जो उसका जो बॉक्स बना है उसके अंदर जो आप कंटेंट लिखने वाले हो, कंटेंट और सेल की जो बॉर्डर है उसके बीच में कितनी गैप होनी चाहिए वो यहां से डिसाइड होगा। देन टेबल अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड रखना सेंटर, हमने तो पूरी स्क्रीन पे विड्थ को 100% कर दिया है इसलिए लेफ्ट अलाइनमेंट ये सब की जरूरत नहीं है। कैप्शन आप कुछ देना चाहो दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये जो हमने प्रॉपर्टीज देखी उसकी इन्फॉर्मेशन जो टेक्स्ट बुक में है वो बता रहा हूँ, ये एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिए साइज इट शोज द नंबर ऑफ रोज, कॉलम एंड हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल, हाइट एंड विड्थ कैन बी स्पेसिफाइड इन पिक्सल और परसेंटेज ऑफ द विंडो।
Then second is border and spacing. It shows the border option in case if you want to give the border to the table. Border in other line in other zero kar dijiye. Spacing is used to specify gap between cells, and padding gives a gap between the edge of the cell and the text within it. जैसे मैंने आपको आगे बताया. Now table alignment, to align table as left, center or right. Then caption, used to give caption if table if required. Then background color, to give background color to the table. यहाँ पे देखिए background color देंगे हम इसको. यहाँ पे देखिए नीचे background color है. Background color लिखा, उसके बाजू में button है. उस button के ऊपर आप click कीजिए. जैसे button पे click करोगे, टेबल बैकग्राउंड कलर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. वहां से बैकग्राउंड, आपको जो बैकग्राउंड रखना है वो कलर बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कीजिए, देन ओके कीजिए. जैसे आप ओके करो, देखिए पीछे यहाँ पे देखिए टेबल के अंदर वो बैकग्राउंड कलर आ चुका है. नाउ हमें पहला जो हमने देखा था कि टेबल में जो पहला जो सेल था उसमें हमने कंपनी का लोगो, यानी कि जो स्टेशनरी थी स्कूल प्लाजा करके, उसका लोगो रखना है. अब लोगो रखना है तो लोगो के लिए इमेज यूज होगा. तो इमेज अगर आपको ऐड करनी है, आपको कंपोजर के अंदर अगर इमेज ऐड करनी है आपको, तो इंसर्ट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा इमेज का. तो इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए. जैसे इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए इस तरह से इमेज प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. इसमें चार टैब दी गई है, जिसमें लोकेशन, डायमेंशन, अपीयरेंस एंड लिंक दी गई है. यहाँ पे आपको लोकेशन के अंदर जाके इमेज लोकेशन फाइंड करके इमेज लानी है यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बाजू में बटन है चूज फाइल कर का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए. जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर आपने जो इमेजेस सेव की होगी वहां से इमेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी इसको कुछ वेब इमेजेस है वो उसमें डाउनलोड करके स्टोर करके रखी है मेरे कंप्यूटर के अंदर. तो यहाँ पे ये मिल जाएगी मेरे कंप्यूटर में, आप भी डाउनलोड करके ऐसी इमेजेस रख सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर. तो यहाँ से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कीजिए. इमेज सिलेक्ट करने के बाद जो नीचे ओपन बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो उसका लोकेशन आ जाएगा. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे ऑप्शन टूल टिप अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो. दो ऑप्शन है आपके पास, अल्टरनेट टेक्स्ट एंड डू नॉट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट. अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट टेक्स्ट कब यूज होता है, कि पहले ऐसा था कि जो वेब ब्राउजर्स थे वो अपडेटेड नहीं होते थे, तो जो इमेजेस है वो सभी तरह की इमेज को वो सपोर्ट नहीं करते थे. अब इमेज सपोर्ट नहीं होगी तो क्या होगा, वो इमेज दिखेगी नहीं, उसकी जगह पे एक ब्लैक व्हाइट कलर का बॉक्स आ जाएगा और साइड में क्रॉस जैसा आता है. कभी कभी आपने देखा होगा पहला डे इंटरनेट यूज किया होगा, तो वहां पे उसकी जगह पे आप अल्टरनेट टेक्स्ट रख सकते हो. अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो वो इमेज किसकी है क्या है वो टेक्स्ट के तौर पर आप यूज कर सकते हो. बट अभी तो जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सभी, जितने भी वेब ब्राउजर्स है वो सभी उसके ऊपर सपोर्टेड है. तो हमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है डॉन use alternate text वो use करना, उसको select कीजिए. उसके बाद जो second tab है dimension, dimension के अंदर देखिए normally क्या होगा, image छोटी size की होगी तो इस okay, वो आपके जो cell है उसमें उसके size में आ जाएंगे. लेकिन अगर बड़ी size की आप image ले रहे हो तो आपको उसकी size change करनी पड़ेगी, dimension यानी width और height change करनी पड़ेगी. वैसे तो image के ऊपर जो button है, जो box है, जो उससे भी आप उसकी size छोटी बड़ी कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे भी आपके पास option है जिसमें custom size का है, उसमें width और height आप pixels के base पे चेंज कर सकते हो. नॉर्मली 150, 100 टू 150 बीच में आप रखिए तो वो आपके लिमिटेड साइज के अंदर वो इमेज आ जाएगी आपकी. देन ओके कर दीजिए. तो इस तरह से देखिए सेल के अंदर इमेज आ गई. अब हमें क्या करना है, ये जो स्कूल दूसरा जो सेल है आप उस सेल को थोड़ा उसमें देखिए, ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर से आप उसको आगे पीछे यानी कि साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. थोड़ी साइज साइड में लाई मैंने, डिक्रीज की पहले सेल की. और यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्कूल प्लाजा मैंने जो स्टेशनरी का जो नाम है, आप अपनी वेबसाइट का, अपनी जिसकी भी वेबसाइट बना रहे हो उसका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर लिख सकते हो. तो यहाँ पर लिखा है स्कूल प्लाजा. अब स्कूल प्लाजा लिखा है, अब उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको थोड़ा कलरफुल. देखिए वेबसाइट के अंदर हमने लास्ट टाइम जो वेबसाइट थियरी देखी थी उसमें बताया कि वेबसाइट ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव वेबसाइट होगी तो ही यूजर उस वेबसाइट को देखेगा, उस वेब पेज को देखेगा, वरना वो वेबसाइट या वेब पेज को नहीं देखेगा. तो यहाँ पे उसको फॉर्मेट करना है. सबसे पहले चूज कलर फॉर टेक्स्ट, कलर को टेक्स्ट को कलर देना. देखिए यहाँ पे ऑप्शन है वो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक कीजिए. तो यहाँ पे उसके टेक्स्ट कलर का बॉक्स ओपन हो जाएगा. अब आपको जो भी कलर रखना है वो कलर सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओके कीजिए. उसके बाद जो टेक्स्ट है हमारा स्कूल प्लाजा है उसको कलर मिल गया. अब ये छोटी साइज का हमें बड़ी साइज में चाहिए तो फॉन्ट साइज उसकी बड़ी करनी पड़ेगी. फॉन्ट साइज लार्ज करने के लिए देखिए यहाँ पे ये ए करके लिखा है, उसमें ऊपर एरो की है, यानी जो बड़ा ए है वो उसकी साइज को इंक्रीज करेगा, छोटा ए है वो साइज को डिक्रीज करेगा.
अब हमें साइज इंक्रीज करनी है, साइज बढ़ानी है, तो हम उसे एक के ऊपर जितनी साइज बढ़ानी है आप उतनी बार उसके ऊपर क्लिक करते जाइए। वो पहले एक चीज है कि स्क्रॉल बार जो वर्ड है वो सिलेक्ट हुआ होना चाहिए, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको जितनी चाहे उतनी साइज इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद वो जो टेक्स्ट है उसको आपको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो आप उसको। उसका अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट फॉर एग्जांपल 4 अलाइनमेंट्स है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाइड, आप सेंटर अलाइनमेंट में रखना चाहो तो अलाइन सेंटर है उसको सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे ये चारों अलाइनमेंट सिस्टम बनाई है, उसमें से हमें अलाइन सेंटर यूज करके सेंटर अलाइनमेंट में उसको लेना है। देन सेंटर में आ गया, अब हमें फॉन्ट चेंज करने हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल विड्थ जो लिखा है ना, यहाँ पे देखिए मैंने लाइन बताई यहाँ पे, तो वहां से आप फॉन्ट भी चेंज करना चाहो तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो उसको सिलेक्ट करके आपको जो फॉन्ट है, जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे फॉन्ट का लिस्ट आ जाएगा, उसमें से आपको जो फॉन्ट अच्छे लगते हैं वो फॉन्ट सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अल्जेरियन करके फॉन्ट है वो फॉन्ट सिलेक्ट किए हैं, तो ऑटोमेटिक वो जो है उसके ऊपर अल्जेरियन फॉन्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से वो पेरा पेज है वो इस तरह से देखेगा, स्कूल पाजा जो वर्ड है वो इस तरह से फॉन्ट मैंने दिया, वो कलर दिया, बोल्ड किया, उसको सेंटर अलाइनमेंट दिया, साइज एंट्री, तो वैसा फॉर्मेट होके वो आ जाएगा। अब इमेज जो है, इमेज को भी मुझे सेंटर में रखना है, तो इमेज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अलाइन सेंटर का जो है बटन वहां पे क्लिक कीजिए, तो इमेज भी आपकी सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेल है, नेक्स्ट सेल में जाइए, यहाँ पे नेक्स्ट सेल के अंदर हमें जो बनाने हो कैटेगरी बनानी है, तो यहाँ पे पहले हेडिंग देना पड़ेगा, इसलिए इस सेल के अंदर हम कैटेगरी वर्ड लिखेंगे। इस तरह से कैटेगरी वर्ड लिख दीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद ये जो कैटेगरी वर्ड लिखा आपने, अब उसको सिलेक्ट करके उसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करना यानी ये जो वर्ड है उसको भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसको कलरफुल बना सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉन्ट जो है उसके टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहो तो उसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट कलर के बॉक्स के ऊपर जाइए, तो आपको जो भी टेक्स्ट का कलर रखना है वो टेक्स्ट का कलर रख दीजिए आप यहाँ पे। फिर और भी फॉर्मेटिंग है, जैसे यहाँ पे देखिए फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन रखना है तो टाइम्स ले लीजिए, या कोई भी किसी भी तरह का आपको फॉन्ट रखना है वो फॉन्ट रख दीजिए। देन साइज आपको छोटी बड़ी करनी है तो साइज आप ए वाला जो उससे बड़ी छोटी कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो आप उसको। उसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर लेफ्ट राइट जो भी आपको रखना है वो अलाइनमेंट आप रख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से पूरा फॉर्मेट करके आप उस जो वर्ड है आपने जो लिखा कैटेगरीज वर्ड उसको अच्छे से एक फॉर्मेट एक अच्छे से डिजाइनेबल बना सकते हो आप। उसके बाद कैटेगरीज जो लिखा है उसके सामने के सेल में हमें प्रोडक्ट्स लिखने हैं, तो प्रोडक्ट्स वर्ड लिखिए, और प्रोडक्ट्स वर्ड लिखने के बाद उसको भी सेम प्रोसीजर यूज करके आपको उसको भी फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करी जैसे हमने उसकी फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर दी, फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, उसकी साइज इंक्रीज की, उसको बोल्ड कर सकते हो आप, उसका अलाइनमेंट जो है सेंटर अलाइनमेंट जो है जो भी अलाइनमेंट चाहे वो अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। और इस तरह से कैटेगरीज और प्रोडक्ट दो नेक्स्ट जो हमारे सेल थे उसके अंदर ये लिख दिया। अब उसके बाद जो सेल है उसके अंदर यानी कि जो फर्स्ट वर्टिकल जो है उसके अंदर फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर थर्ड सेल है उसके अंदर जाइए। यहाँ पे हमें कैटेगरीज डिजाइन करनी है। अब कैटेगरीज जो चाहिए हमें, फॉर एग्जांपल आपने जो वेब हमने जो पहला जो वेब पेज देखा होम पेज जो देखा था उसके अंदर हमने चार सेल लिए थे जिसके अंदर तीन कैटेगरीज और एक होम पेज रखा था, तो वो बनाना है हमें, तो उसके लिए भी टेबुलर फॉर्मेट चाहिए हमें। तो टेबल फॉर्मेट के लिए सेम प्रोसीजर, ऊपर जो मेनू है टेबल मेनू में जाइए। टेबल मेनू के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, इंसर्ट के अंदर टेबल में जाइए, तो टेबल का जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हमें वर्टिकली चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी डिजाइन करनी है, तीन प्रोडक्ट की कैटेगरी और एक होम पेज चाहिए, तो यानी कि चार सेल हमको चाहिए, तो वर्टिकली 4 सिलेक्ट कीजिए, यानी कि 4x1 वाला जो पार्ट है वो सिलेक्ट करके ओके कीजिए। तो इस तरह से देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे 4x1। तो थर्ड सेल था हमारा फर्स्ट कॉलम का, उसके अंदर 4 कॉलम्स आ गए। और पहली कॉलम के अंदर आपको जो आपके जो भी प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले करवानी है, जो भी प्रोडक्ट इसमें रखनी है, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है यानी कि ये प्रोडक्ट के जो नाम है वो आपको यहाँ पे रखना है। जैसे मैंने थोड़े रखे कैलकुलेटर है, तो पहला वर्ड है कैलकुलेटर, तो पहली प्रोडक्ट मेरी कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सेल जो है वहां पे फर्स्ट सेल पे कैलकुलेटर लिखा है। अब ये जो कैलकुलेटर वर्ड लिखा उसको भी सेम प्रोसीजर करके आपको, ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए सेम प्रोसीजर करके आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो, उसके फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, उसके अंदर जो है साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, देन उसको अलाइनमेंट जो है सेंटर अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट जो भी अलाइनमेंट आप रखना है वो अलाइनमेंट रख के उसको सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सेल के अंदर जाइए,
जैसे नेक्स्ट सेल में जाएंगे तो फिर दूसरी जो प्रोडक्ट है, जैसे मेरी दूसरी प्रोडक्ट नोटबुक है, तो मैंने नोटबुक लिख दिया, उसको भी सेम फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की है। थर्ड प्रोडक्ट मेरी पेन है, तो पेन लिख दिया, पेन को भी सेम फॉर्मेट, उसकी जो फॉन्ट स्टाइल चेंज की, कलर चेंज किया, उसको अलाइनमेंट सेंटर किया, साइज छोटी बड़ी की उसके अंदर, तो इस तरह से वो कैटेगरीज के अंदर पेन ये सब वर्ड मैंने लिख दिया। अब हमें जो नेक्स्ट है हमारा होम, यानी कि हमें ये जो नेक्स्ट जो है होम पे है, नॉर्मली ये सब कैटेगरी हम जो वेबसाइट देखने वाले, पहले जो लास्ट टाइम जो थियोरीज देखी थी उसमें बताया था कि वेबसाइट की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस, यानी कि वेब पेजेस जो है उसका पूरा कलेक्शन और वो सब इंटरलिंक्ड है, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरीज के जो नाम लिखे हमने उसके थ्रू हम सब वेब पेजेस को लिंक करने वाले हैं। अब किसी भी वेब पेजेस के अंदर आप जाओगे, वापस आपको होम पेज पे आना है, तो उसके लिए ये होम वर्ड हमें यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पे होम वर्ड लिखा, उसको भी सेम फॉर्मेट करके होम वर्ड लिख दीजिए और फिर हमारी ये कैटेगरी इस तरह से डिजाइन हो जाएगी। आज फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इतना ही देखेंगे यहाँ तक ही, कि जैसे हमने बताया, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, कि कंपोजर ओपन कीजिए, टेबल फॉर्मेट में हमें जाना तो टेबल फॉर्मेट में ले लीजिए आप, 3x2 वाला ऑप्शन ले लीजिए, फिर फर्स्ट जो उसमें इमेज लोगो रख दीजिए 10, फिर दूसरे जो सेल है उसके अंदर आपको जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो उसका नाम लिख दीजिए, फिर सेकंड सेल जो था फर्स्ट कॉलम का उसके अंदर कैटेगरीज लिखा, देन सामने वाले सेल में प्रोडक्ट लिखा, दोनों की फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट जो था उसके अंदर हमने कैटेगरीज ली, कैटेगरीज में भी हमें टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, तो टेबल फॉर्मेट्स में मैंने टेबल लिया, यहाँ पे चार सेल लिया, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो भी पेजेस, जो भी प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले करवानी है वो प्रोडक्ट के नाम लिख दिए, जैसे कैलकुलेटर, नोटबुक और पेन ऐसे लिख दिए। और किसी भी पेज के जब हम लिंक पेज देंगे बनाएंगे तो किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे, वहां से वापस होम पेज पे आना है, तो उसके लिए होम वर्ड भी है, तो होम वर्ड भी हमें यूज करना है। तो इस तरह से पूरा कैटेगरी वाला पार्ट डिजाइन करना है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, यानी कि जो सामने का जो सेल है उसके अंदर किस तरह से प्रोडक्ट रखनी है, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट की इमेज और ये सब डिटेल्स हमें रखनी है, और बाय नाउ बटन बना के उसको वेब ब्राउजर में कैसे देखना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी।